हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कॉम्पिटेटिव ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया होता है और उसको किसमें बदलना होगा, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना होगा। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोजेज को हम कोऑर्डिनेट क्लोजेस भी कहते हैं, और ये दो क्लोजेस होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करना हो तो फैन बॉयज वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है। एप स्टैंड फॉर फोर, ए स्टैंड फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड फॉर और, वाई स्टैंड फॉर व्हाट, एंड सो एस स्टैंड फॉर सो। तो ये हमारे जो मेन कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, तो वो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया। तो इस वीडियो में मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हुआ, सीधा चलते हैं पांच छोटे छोटे रूल्स की तरफ, बड़े इजी रूल की तरफ, जिसकी सहायता से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बड़े इजीली चेंज कर पाओगे। तो पहला रूल करते हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ लिंक कर दिया हो, ठीक है, इफ वाला सेंटेंस दिया हो, तो आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त क्या यूज करोगे? एक तो आप इंपैरेटिव सेंटेंस बना दोगे। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमारा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस बताता है, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और उसके बाद जो हम लिंकर लगाएंगे यहां पर, वो हम एंड लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इफ से शुरू हो रहा है। अब इसको हमने कंपाउंड बनाना है, तो क्या करेंगे, जहां कोमा है वहां तो हम लिंकर लगा देंगे एंड, ठीक है जी। ही विल पास को वैसे का वैसे रखेंगे, कॉमे के बाद वाली चीज को चेंज नहीं, हमने इसको चेंज करना है। इफ खत्म होगा, हमने इंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है। इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां वर्क्स आया हुआ है, तो हमारा ये तो कट जाएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू लगानी है हमने, एस कट जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, वर्क, तो वर्क हार्ड एंड ही विल पास, वर्क हार्ड एंड ही विल पास। तो इट्स अ वेरी सिंपल। दूसरा रूल करते हैं, मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा। कम टू द सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल में हमने क्या करना है, बिल्कुल इजी इजी पांच रूल है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको अनलेस मिल जाता है, क्या मिल जाता है, अनलेस, तो कंपाउंड में इंपैरेटिव सेंटेंस लगाएंगे, प्लस यहां पर हम कौन सा लिंकर लगा देंगे, और लगा सकते हो यहां पर, यहां पर आप अदरवाइज लगा सकते हो, एल्स में लगा सकते हो, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अनलेस he runs fast he will not catch the bus, ये हमारा एक sentence आ गया। तो जहां हमारा comma है उसकी जगह तो हम link हमारा लगा देंगे, और लगा दिया, उसके बाद वाला change नहीं करना आप, same to same रखिए। he will not catch the bus, क्लियर। अब इसमें हमने क्या बनाना है, इंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी दी हुई है, रन्स, तो रन्स तो नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ऐसा हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ क्या रख लेंगे, रन रख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाकी वाला रख लेंगे कौन सा, रन फास्ट और ही विल नॉट कैच द बस। तो यह हमारा क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। आप ऐसे अनलेस वाले बहुत सारे सेंटेंसेस को इजीली आप बना सकते हो। कम टू द थर्ड रूल। अब थर्ड रूल में क्या कहता है, थर्ड रूल में यह कहता है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या मिल जाता है, बिकॉज मिल जाता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपने क्या लगाना है, सो लगा सकते हो, फोर, सो, फोर या देयरफॉर, इनमें से कुछ भी लग सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, फॉर एग्जांपल,
he could not attend the lecture. He could not attend the lecture because he was ill. तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करना है, जो रीजन वाला है, बिकॉज वाला है, बिकॉज तो हमारा कट जाएगा, तो ये जो बिकॉज के बाद जो आपको क्लोज दिया होगा वो आपको सबसे पहले लेके आना है कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रीजन हम बाद में लिखते हैं, तो इसमें बिकॉज के बाद वाला हमारे पास कौन सा है, ही वॉज इल, इसको पहले लेकर आएंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हुए उस क्लोज को, ही वॉज इल, फिर हम क्या लगाएंगे, कॉमा, कंपाउंड सेंटेंस में कॉमा लगता है हमेशा, बिकॉज कटा तो हमने कौन सा लिंक का लगा सकते हैं, सो फॉर देयर फॉर, तो हमने लगा दिया यहां पर सो, ही वॉज इल सो, बाकी जो हमारा जो है वो सेम टू सेम बाद में आ जाएगा, आपने क्या ध्यान रखना है, बिकॉज वाले के बाद जो क्लोज दिया होगा उसको पहले लेकर आना है, और बिकॉज से पहले वाला जो दिया होगा उसको बाद में लेकर आना है, उससे पहले सो लगाना है, कॉमा लगाना है, आप फोर भी लगा सकते हो, ही वॉज इल कॉमा सो ही कुड नॉट अटेंड द लेक्चर, इसको फोर से भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप सो लगाएंगे तो ऐसे चेंज करने की जरूरत पड़ी, अगर फोर लगाओगे तो कुछ जरूरत नहीं है, ही कुड नॉट अटेंड द लेक्चर, फोर से भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है और सीधा क्या लगा देना, फोर, फॉर ही वॉज इल, तो इस प्रकार हमने सो से भी बनाया, फोर से भी बनाया, लेकिन सो से बनाते वक्त हमने बिकॉज वाला पहले लेके गए थे और उसके बाद, और फोर जब लगाया तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका थर्ड रूल है, बिल्कुल इजी सा रूल है, कम टू द फोर्थ रूल, अब फोर्थ रूल में आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये मिल जाता है दउ ऑल दउ, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त आप क्या लगाओगे, यट स्टिल या बट में से कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दउ He is poor. Though he is poor, he is honest. मान लो हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, very simple सेंटेंस को लेते हैं. Though he is poor, he is honest. ये हमें दिया हुआ है. तो हमने क्या करना है? सिर्फ though को हटाइए, बाकी सेंटेंस को सेम टू सेम रखिए. क्या रह जाएगा? He is poor. कॉमा दिया हुआ है. सिर्फ आपने यहां लिंकर लगाना है. कौन सा लिंकर लगा देंगे? यट. ही इज पुअर, यट ही इज ऑनेस्ट. क्लियर? तो इस पर अगर आपको बहुत सारे सेंटेंस और आ सकते हैं जिसको आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो, दो ऑल दो, और यही मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ और लास्ट रूल की तरफ, फिफ्थ एंड द लास्ट रूल की तरफ. वो क्या कहता है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किससे, व्हेन या एज सून एज से वाले वाक्य दिए हों, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त सिर्फ आपने एंड लगा देना. अब इंपेरेटिव सेंटेंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो इफ वाले में है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हेन The students saw the principal, comma, they sat silent. चुपचाप बैठ के. अब इसमें when दिया हुआ है, अब आपने क्या लगाना है, and लगाना है. When हम remove करेंगे, and कहां लगाएंगे, इस comma की तरफ, क्योंकि हमने दो clauses को जोड़ना है. अब क्या बनेगा आपका, द स्टूडेंट्स
सो द प्रिंसिपल, बस कॉमे की जगह एंड लगाइए, बाकी सेम टू सेम, एंड दे सेट साइलेंट। तो देखिए कितना इजी था, इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपके पांच बहुत इजी रूल्स हैं, अगर आप इन पांच रूल्स को माइंड में रखते हो तो आप बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब माई